अका हुआ, इतना सनसेट काहे लग रहे हैं? अरे वो अपसेट होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। अका इतना परेशान है हाँ? अरे पैसों को लेकर परेशान है। अब घर में रखेंगे तो चोरों का खतरा, बैंक में रखेंगे तो टैक्स वालों का खतरा। समझ में नहीं आ रहा इन पैसों को रखे तो कहाँ रखे। हाँ ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम एक तो ऑडियो देगा। अरे वो आइडिया होता है पगली। सही पकड़े हैं। अब बताएगा? अरे बताओ ना जल्दी बताओ। हाँ तो हम कहा बोल रहे हैं, किसी एक तो गरीब को ना दान दे दीजिए, बहुत पुण्य मिलेगा आपको। तुम ना अपनी बौड़मपने की बातें अपने पास ही रखो समझे। इनसे दान देने की उम्मीद मत रखना अंगूरी भाभी। ये दान देने वाली पार्टी ना है बल्कि दान लेने वाली पार्टी है। अबे ज्यादा बकवास मत कर। और तू यहाँ क्यों मर रहा है? जाके खोके शॉप पे कहीं नहीं बैठता? किस लिए बैठूं खोके पर? तनख्वाह तो तुम देते ना हो मेरी। अरे सेठ जी कुछ तो रहम खाओ मुझ पे। कसम से कह रही हूँ, इतना परेशान चल रही हूँ कि दिन भर भूखा रहता हूँ और रात को बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के खाना खा के आता हूँ और नाचना अलग से पड़े। देखा आप, देखा कितना बुरा हाल है उनका, उनका गरीबी हमसे देखा ना ही जाता है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। ओए अपनी जगह से हिलेगा नहीं वरना हम इतना बारूद भर देंगे कि खांसोगे तो बारूद झड़ेगा समझे। भभूति जी इस खाकसार को दुनिया फानी में डाकू अंजान सिंह के नाम से रुस्वा किया गया। भरभूति जी, बाबू जी, भरभूति जी नहीं, डाकू अंजाना सिंह। ए माल निकाल। डाकू अंजाना सिंह जे का कर रहा? बड़ी मुश्किल से कंजूस सेठ के अलग से मेरी तनख्वाह निकली है। अगर जे आपने तनख्वाह ले ली तो मेरा क्या होगा? कुछ तो मेरे जज्बातों पे रहम खाओ डाकू जी। डाकुओं के लिए डाकुओं के पास जज्बातों की जगह नहीं होती। देयर इज नो प्लेस फॉर इमोशंस। हे सर जी माल निकालो। अरे कौन सा माल, काय का माल, कोई माल वाल नहीं है। ऑलरेडी के भैया वो जो कुशन के नीचे दबा कर रखे हैं उनके बारे में कुछ ना ही बताना यार। अभी जी थैंक यू सो मच। हे डाकू अंजाना सिंह से झूठ बोलता है? तेरे खपड़िया में इतना बारूद भर देंगे कि तेरे सर से पीतल के बाल उगेंगे। क्या बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे लगेंगे। अभी अभी जस्ट जोकिंग राइट। ए मालिक ओके भाभी जी आई विल कैच यू लेटर राइट। पहली बार तनख्वाह दी वो भी बैठे बैठे लुट गई। चाय पियेंगे भाभी जी? जब तक बैठने के लिए कहा ना जाए चुपचाप खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है। जी 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 किस लिए आए हो? क्या बताएं भाभी जी, मैडम जी वो भभूति जी उर्फ डाकू अंजाना सिंह हमें लूट गया। तो मैं लूट के ले गो? मतलब तुम्हारी इज्जत लूट के ले गो? कहोगे जो क्या बकवास कर रहे हैं आप? लूट गया मतलब हमारा माल लूट गया। माल का लूट गो मतलब भाभी अंगूरी को ले गो का? शट अप पप्पू सिंह, शट अप। हाउ हाउ आप बताइए आगे क्या हुआ? क्या बताएं भाभी जी, वो मैडम जी वो डाकू अंजाना सिंह आया, हमारा सारा माल मत्ता पैसा सब लूट के ले गया। तो आप वहाँ खड़े खड़े चुपचाप तमाशा देख रहे थे? अरे तू क्या करते? अरे वाह, अरे मेरे लाल, मेरे बच्चे, कितने सारे पैसे लूट के लाया है। हे भगवान, हर डाकू को तेरे जैसा लुटेरा बेटा मिले। मैं लुटेरा नहीं, तुम मुझे लुटेरा बना रहे हो। चचा मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है यार? देखो बेटा, अगर तुम चले जाओगे तो मेरा सब कुछ बिगड़ जाएगा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरा सब कुछ संवरता रहेगा। अगर मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूंगा, मेरी बीवी है, मेरी फैमिली है यार, मुझे घर जाने दो यार प्लीज। अरे बेटा, हम डाकुओं की किस्मत में बीवियों का प्यार नहीं,
छमियाओं का प्यार होता है। क्या मतलब है आपका इससे? अरे बेटा कोठे पर जाने की आदत डालो। याद है मुझे बहुत दिन से किसी छमिया का नाच नहीं देखा। अरे बेटा जरा मुझे गुलफाम कली के कोठे तक ले चलो। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तुम जाना, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा दिमाग कमिश्नर साहब। अरे जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। चलो तो चलो ना। कपड़े तो पहन ले, नंगे जाओगे कैसे बुड्ढा हूँ। तो समझ में नहीं आ रहा है मीनल कि मैं क्या करूँ। मेरी सिचुएशन तो दीवार के शशि कपूर के जैसे हो गई। फर्क सिर्फ इतना है कि उसका भाई क्रिमिनल था और मेरा पति क्रिमिनल है। हेलो अनीता जी। मीनल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हेलो अंगूरी जी। अनीता जी हम आपके लिए खाना लेकर आए हैं। अरे बहुत बहुत बढ़िया करो आपने भाभी अंगूरी। हमें हमें बड़ी भूख लग रही थी, चूहा दौड़ रहे थे, आप खाना ले आई। बहुत बढ़िया करो सतर, हम खा लेंगे जी। बहुत बढ़िया करो इनने, तुम खाओ तो जब तक। अरे दादा अंगूरी जी आपने क्यों तकलीफ की? इनमें तकलीफ का क्या बात है अनीता जी? आप देश का सेवा कर रही हैं, देश का, तो क्या हम आपका सेवा ना ही कर सकते हैं? थैंक यू सो मच अंगूरी जी, लेकिन मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं एक ऐसे दौराहे पे खड़ी हूँ जहाँ एक तरफ कानून और फर्ज है तो दूसरी तरफ जुर्म का कंबल ओढ़कर विभू खड़ा है। अगर कानून का साथ देती हूँ तो बीवी की हार होती है, अगर पति का साथ देती हूँ तो फर्ज के साथ गद्दारी होती है। समझ नहीं आ रहा है करूँ तो क्या करूँ, क्या करूँ? हम कछु बोले का? देखिए हमको तो यही लगता है ना कि आपको कानून का ही साथ देना चाहिए। कहा है कि मुजरिम तो मुजरिम ही होता है, फिर वो पति हो, पिता हो कि भाई हो, है कि नहीं? सही कह रही हैं अंगूरी जी आप, मुजरिम तो मुजरिम ही होता है। हाँ और हम कहा बोल रहे हैं, आप भरभूति जी को समझाते कहा ना आई हैं? एक बार समझाइए ना, हमको पूरा विश्वास है कि वो आपका बात जरूर मानेंगे। मैं विभू को समझाऊंगी, मैं विभू को कहूंगी कि वो अपने आप को कानून के हवाले कर दे। डाकू अंजना सिंह। कौन आया है, डाकू अंजना सिंह या विभू? डिपेंड करता है इस वक्त मेरे सामने कौन बैठी है, पुलिस इंस्पेक्टर अनिता मिश्रा या मेरी बीवी अड्डू। ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि मेरे घर कौन आया है। एक मजबूर पति अपनी पत्नी से मिलने आया। गलत कह रहे हो तुम, मजबूर पति नहीं बल्कि पति मुजरिम के भेष में आया है। मैं मुजरिम नहीं हूँ, मुझे मुजरिम बनाया गया, जबरदस्ती बनाया गया है। और मुझे मुजरिम बनाने में तुम्हारे इस कानून का एक बहुत बड़ा हाथ है। गलत गलत गलत, कानून कभी किसी को मुजरिम नहीं बनाता। कानून तो मौका देता है मुजरिम को कि वो जुर्म का रास्ता छोड़कर एक अच्छा इंसान बन सके। और कानून तुम्हें भी मौका दे रहा है कि तुम जुर्म का रास्ता छोड़ दो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ होगा। ओ, तो पुलिस इंस्पेक्टर बोली। I'm sorry, मैं गलत जगह आ गया। मैं तो यहाँ पर अपनी बीवी से मिलने आया था। मुझे क्या पता था कि बीवी के भेस में एक पुलिस इंस्पेक्टर बैठी है। अगर निकला से निकल। कीड़े पड़ेंगे अंजना सिंह। ठीक है चचा बैठो। गुलफाम कली तुम्हें हमसे जरा सा भी खौफ नहीं है? डाकुओं के साथ तो हमारा गहरा रिश्ता रह चुका है, डाकुओं से हमें खौफ नहीं बल्कि मोहब्बत है। अरे गुलफाम कली ये क्या कह डाला तुमने, मेरी जान, मेरी तो जान ही निकाल डाली। अरे जाने बहार गुले गुलजार, मेरी मिश्री की डली गुलफाम कली, जरा बखेर दो अपने हुस्न जमाल का जलवा। जवानों को आई सुस्ती, बुढ़े को आई मस्ती। गंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन। भरभूति जी। हाँ भाभी जी। आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। भाभी जी जुर्म की इस काली दुनिया में आपका स्वागत है।
तांकु भरभूति जी, हमको ना ये दुनिया ना वो दुनिया से बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। कम से कम ये दुनिया में औरतों का कछु इज्जत तो है। भाभी जी, जैसा आप सोच रही है ना, यहाँ बिल्कुल वैसा नहीं। यहाँ पर भी कुछ भूखे भेड़िए जो घाक लगाए बैठे हैं, लेकिन जब तक मैं यहाँ पर हूँ आपका बाली बांका नहीं हो सकता। चीचा, ये मेरी बीवी जैसी है। क्या बोले? मैंने कहा ये भाभी जी हैं, इनकी इज्जत करना बना गुर्दे छिल दूंगा। क्यों नहीं। अरे भाई, अब लड़की आ गई है तो खाने पीने की समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। हाँ अंकल जी, हम खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। तुम ऐसा करो कि घुंघिया को कोफ्ते बना लो। ठीक पा। अप्पू सिंह। अरे जा ना यार, दिन भर रिपोर्ट। अप्पू सिंह। अरे जैन मैडम, जैन। ये पुलिस स्टेशन तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो तुम यहाँ खर्राटे लेकर सो रहे हो। सॉरी मैडम, क्या पता जब से रिपोर्टें लिख रहे हैं थक गए, आंख लग गई थोड़ी। रुक रही है, बार अगर तुम्हारी आंख लगी ना तो तुम्हारी बहुत लंबी चौड़ी लग जाएगी। मैडम। जब तक तुमसे बैठने को ना कहो जाए, शराफत से खड़े रहो। जो पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप को घर नहीं है। हम कहाँ बैठने जा रहे थे? ओवर एक्टिंग क्यों कर रहे हैं आप? ओवर एक्टिंग? ये टेढ़ी टोपी लगाकर और बालों का घुंघरू बनाकर आप अपने आप को हीरो समझते हैं? सीधे खड़े रहो। बताइए क्या प्रॉब्लम है? अरे क्या बताएं मैडम, वो जो अंगूरी ने जो है वो भभूति जी मतलब वो डाकू अंजाना सिंह का गिरोह ज्वाइन कर लिया है। लेकिन क्यों? वो क्या बताएं मैडम जी, वो हमारा अंगूरी से झगड़ा हो गया क्योंकि वो उसकी वजह से जो है वो डाकू अंजाना सिंह आपकी गिरफ्त से भाग लिया था। हमें गुस्सा आ गया, हमसे रहा नहीं गया, हमने अंगूरी को घर से बाहर निकाल दिया। आपकी वजह से एक मासूम लेडी गलत रास्ते चली गई। हमारी वजह से कहा है भाभी जी, हमारी वजह से कहा है। अच्छा, आपकी वजह से नहीं तो क्या? अप्पू सिंह की वजह से? भाभी जी, आप मर्दों की वजह से मासूम औरतें गलत रास्ते चली जाती हैं। ये मर्दों को तो ना गोली से उड़ा देना चाहिए। मनमोहन तिवारी, आपको एक मासूम औरत को मुजरिम बनाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। आलू ले लो, प्याज ले लो, टमाटर ले लो, गोभी ले लो, कद्दू ले लो, घुइया ले लो। अगर किसी ने भी हिलने का कोशिश किया तो हम उसका खोपड़िया में इतना पीतल उतार देंगे कि वो रोएगा तो पीतल का आंसू टपकेगा। मुठी कर। अब तेरा क्या होगा कैलिया? मैंने तो आपका नमक खाया है सरदार। भाभी जी, ज्यादा हो रहा है, यू वांट टू टेक सीरियसली। नमक खाया है तो अब नमक के बदले में हमको सब्जी खिला। हाँ तो ठीक है कमल खान, हमारी बात सुनो। हाँ, एक ठो किलो हमको वो दे दो, भिंडी दे दो, दो ठो किलो टमाटर दे दो, एक पालक का गड्डी दे दो, दो ठो किलो आलू, और साथ में हमको मुफ्त में हरा मिर्ची और हरा धनिया भी। हाँ भाभी जी, यहाँ पे हम लोग कोई शॉपिंग करने नहीं आए, सब्जी खरीदने नहीं आए, हम लोग डकैती करना है भाभी जी, और आप हमारे इस गिरोह की बहुत ही इम्पोर्टेंट सदस्य है। हाँ, एक मतलब हम रिमेम्बर है भाभी जी, हम तो आपको दिन रात रिमेम्बर करते हैं। वो आप मेंबर कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं सरदार। आलू खाओगे? तूने हम तो भिखारी समझा है। अबे ओ लौंडा, सरकार हम पे कितना नाम रखे रे? सरदार पूरे 1100 रुपए का नाम रखो है। वाह भाभी जी, वाह, क्या डायलॉग मारा है आपने। अरे ओ लेडी इंस्पेक्टर,
अगर तूने हमको पकड़ने का कोशिश किया तो इस चपड़ गंजू का जो खोपड़िया है ना उनका हम ढक्कन खोल देंगे। सही पकड़े हैं। अरे तुम सही पकड़े हो। तुम्हें इसकी खोपड़िया उड़ानी है तो उड़ा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी डाकू अंजना सिंह। भाभी जी ये क्या कह रही हैं आप, हम आपके पड़ोसी हैं। कानून का कोई अड़ोस या पड़ोस नहीं होता। बिल्कुल सही कही गोरी मैम, हमारा मतलब है मैडम, बिल्कुल सही कह रही। आज भले ससुर भैया तिवारी खर्च हो जाए, इसकी कुर्बानी दे दू। वाह भाभी जी वाह, क्या डायलॉग मारा है आपने। अरे ओ लेडी इंस्पेक्टर, अगर तूने हमको पकड़ने का कोशिश किया तो इस चपड़ गंजू का जो खोपड़िया है ना उनका हम ढक्कन खोल देंगे। पकड़े हैं। अरे तुम सही पकड़े हो। तुम्हें इसकी खोपड़िया उड़ानी है तो उड़ा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी डाकू अंजना सिंह। भाभी जी ये क्या कह रही हैं आप, हम आपके पड़ोसी हैं। कानून का कोई अड़ोस या पड़ोस नहीं होता। बिल्कुल सही कही गोरी मैम, हमारा मतलब है मैडम, बिल्कुल सही कह रही। आज भले ससुर भैया तिवारी खर्च हो जाए, इसकी कुर्बानी दे दू, लेकिन डाकू अंजना को ना छोड़ू आप। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप। अप्पू सिंह ठीक कह रहे हैं, अगर ये गोली नहीं मारेगा तो मैं गोली मारूंगी। भाभी जी आज बाल बाल बच गए पर ना पकड़े ही जाते। हाँ लेकिन हम तो यही सोच रहे हैं कि अनीता जी को कैसे पता चला कि हम वो सब्जी का ठेला लूटने वाले हैं। भाभी जी किसी जासूस ने जासूसी की है और मुझे पूरा शक है ये काम लड्डू के भैया का है आपके। अगर मुझे आपके स्वभाव का ख्याल ना होता ना तो मैंने इस आदमी का टेटवा दबा दिया होता। ऐसा कहा है बोलते हैं, हमको ना पता है लड्डू के भैया ऐसा कभी ना ही करेंगे। हाँ भाभी जी कमाल है, उस आदमी ने आपको घर से बाहर निकाल दिया, आपको जुर्म की दुनिया में ढकेल दिया, मजबूर कर दिया, उसके बावजूद आप उस आदमी की तरफदारी कर रहे हैं। भाभी जी आप इस दुनिया के अकेली वाहिद कटपीस हैं। क्या बोले? भाभी जी आपको तो म्यूजियम में रखना चाहिए। बाय गॉड, ओहो ये पहलू भी पता नहीं आज कहां मर गया। अरे ये कचेड़ू और पड़ोस वाले की बीवी यहां क्या कर रहे हैं? कचेड़ू कचेड़ू चाचा जी यार तू थोड़ा झुका कर, साथ में मुझे भी झुकना पड़ता है। ओके हाँ कुछ रहे। हाँ चाचा जी प्रणाम करें। हाँ कुछ रहे बेटा कुछ रहे। ये तुम लोगों ने क्या हुलिया बना रखा है भाई, कोई नाटक कंपनी ज्वाइन कर ली है या फिर किसी शूटिंग में भाग ले रहे हो? चाचा जी ना तो हमने कोई नाटक कंपनी ज्वाइन की है ना ही किसी शूटिंग में भाग ले रहे हैं। आप जो देख रहे हैं वो हकीकत है, इट्स अ रियलिटी। अरे क्या हकीकत है बे? चाचा जी मैं डाकू बन गया हूँ यार। हाँ और हम भी। या ये मेरे ग्रो में है। क्या? हाँ चाचा जी मेरी मजबूरियों ने, मेरे हालात ने मेरे हाथ में बंदूक थमा दी। ये तूने अच्छा नहीं किया कचड़ू, माना कि हमारे घर का हर मर्द अय्याश है लेकिन कोई आज तक डाकू नहीं बना। कम ऑन चाचा जी टाइम नहीं मेरे पास। ये ले। अच्छा जी ये जींस भी। क्या बाबूजी जी अब ई भी निकलवाएंगे, हमको शर्म आ रहा है। भाभी जी हम लोग लूट रहे हैं ना इनको, तो क्या इज्जत लूटेगा? ए साथ पकड़ मत कर बुढ़े, अपनी शराफत से जींस निकाल दे। निकाल रहा हूँ। अरे कचेड़ू यार ये नाला फंस गया इसमें, ले निकाल। चाचा जी एक पकड़ी, खोल आराम से खोलिए। चलिए हम अड्डे पर जा रहे हैं। मैं किससे मिल रहा हूं, अपनी बीवी अड्डू से या एक पुलिस इंस्पेक्टर अनीता से? जब तक पति विभू बोलेगा तब तक उसकी बीवी अनु जवाब देगी, जब डाकू अंजना सिंह बोलेगा तो इंस्पेक्टर अनीता बोलेगी। और मैं तुम्हारी बीवी होने के नाते कहती हूं विभू, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। नहीं। तो बीवी के भेष में एक पुलिस इंस्पेक्टर आई है। अनीता मेरी एक बात कान खोल के सुन लो,
तुम जिस रास्ते पे चल निकली हो उस रास्ते का अंजाम बुरा ही होगा। इस अंजाम की आग में हमारे तुम्हारे बीच के रिश्ते नाते जज्बात चलकर खाक हो जाएंगे। मैं जिस रास्ते पे निकली हूँ उसका अंजाम अच्छा होगा या बुरा होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस रास्ते पे तुम निकले हो उसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। मैं तो अपनी बाजी खेल चुका हूँ, अब तुम्हारा वक्त है। छोड़ दो इस नौकरी को, इस पुलिस की नौकरी को। नहीं, मेरे आदर्श, मेरे उसूल मुझे इजाजत नहीं देते। ऑफ तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे उसूल और तुम्हारे आदर्शों को गूंथकर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती। क्या भाभी जी, आप चाहती है कि मैं आपके घर की तिजोरी साफ कर दूं? हाँ, जाइए और बेधड़क साफ कर दीजिए। कहा है कि बरबूती जी वैसे भी वो घर अब हमरा तो है ना ही, लज्जू के भैया का है। नहीं भाभी जी, नहीं, उस घर में आज भी आपकी पायल की झलका झनकती है, उस घर में आज भी आपके चूड़ियों की खनखनाहट खनकती है, उस घर में आज भी आपकी बौड़म शायरी मतलब आपकी मासूम शायरी की आवाज गूंजती है। वो घर सिर्फ लड्डू के भैया का नहीं है, वो घर आपका भी भाभी जी। और भाभी जी, एक बार मैं अपना घर लूट सकता हूँ लेकिन आपका घर कभी नहीं लूट सकता भाभी जी, कभी नहीं लूट सकता। दिया, हम कहा बोल रहे हैं, वो घर में बहुत माल पड़ा है तिजोरी में, जाकर लूट लीजिए। अरे बेटा, जब सामने वाली पार्टी खुद लूटने को तैयार है तो तुम्हें लूटने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया। क्या बात कर रहे हो बेटा, मैं बहुत प्यार करता हूँ। किससे? कैसे से? कभी इंसान से प्यार करके देखो और फिर उसका घर लूटने की सोचो, तब देखता हूँ तुम कैसा फील करते हो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम बहू के पति से बहुत प्यार करते हो और इसीलिए इसका घर नहीं लूटना चाहते। अब आप कहां से बात कहां ले गए तुम यार, अजीब आदमी है ये। 100 बातों की एक बात, मैं भाभी जी का घर नहीं लूटूंगा, नहीं लूटूंगा, नहीं लूटूंगा, बस बात खत्म। लेकिन काहे ना लूटेंगे हाँ, जब हम खुद ही बोल रहे हैं कि जाइए हमारी तिजोरी लूट लीजिए तो काहे मना कर रहे हैं। तुम घर को लूटोगे या नहीं? बिल्कुल नहीं लूटूंगा, बात खत्म हुई। कमिश्नर साहब, चाचा लूटूंगा, 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 लूटूंगा। तुम लूटो ना। अरे बहू, आज क्या बना रहे हो खाने में? अबे चूहा मीन। भाभी जी, वो वही चाउमीन होता है, लेकिन इसको आप चूहा मीन ही खिलाइए। सही पकड़े हैं। यार, इन सारी पार्टियों को एक साथ पेमेंट देने की तुलतुली कैसे चढ़ गई? पहले पेमेंट मांगते रहे तब किसी ने नहीं दी, अब जब डाकू अंजाना सिंह का खौफ मंडराने लगा व्यापारियों पर तब सबने एक साथ मिलकर पेमेंट कर दी। लेकिन अभी तो हमें डर लग रहा है कहीं इस बात की भनक डाकू अंजाना सिंह को ना हो जाए। यार तेरा डर ठीक निकला लाला, डाकू अंजाना सिंह को भनक लग चुकी है लाला। डाकू अंजाना सिंह। हाँ, और हम है डाकू अंगूरी सिंह। पगली, तुम भी डाकू बन गई? हाँ, हम डाकू बन गए हैं और हम ही लेकर आए हैं इन लोगों को यहाँ, और हम ही बताए भी हैं कि आपके तिजोरी में कितना माल भरा पड़ा है। अरे अपने ही घर को लुटवाने पे तू लियो पगली। अरे कौन सा घर लाला, जिस घर से तूने भाभी जी को बेइज्जत करके निकाल दिया लाला, वो घर भाभी जी का कैसे हो सकता है लाला? सही पकड़े हैं, अभी घर हमारा ना ही है, लड्डू के भैया ना ही है। अरे बच्चों, बातों में वक्त जाया मत करो, जल्दी से इस आदमी से तिजोरी की चाबी लो, तिजोरी लूटो और निकल लो, अभी और भी जगह लूटपाट करने जाना है और गैस बहुत परेशान कर रही है। चाबी ला लाला, चाबी। तिजोरी की चाबी नहीं भाई, उसमें हमारे मेहनत की कमाई है। तिजोरी में तेरी मेहनत की कमाई नहीं है लाला, पाप की कमाई है लाला, झूठ की कमाई है लाला, बेईमानी की कमाई है लाला। चाबी लाला, लाला लाला, चाबी लाला। यार फॉरगेट इट, चाबी दे यार। ये लो लाला। हाँ, चाबी मिल गया, चलिए तिजोरी ऊपर है, चलिए चलिए। आई भाभी जी, आफ्टर यू। विभू उर्फ डाकू अंजाना सिंह, अपने हथियार नीचे गिराओ, ड्रॉप द गन। लो, हो गया सत्यानाश। पर इतनी देर से कह रहा था कि जल्दी से तिजोरी लूटो, यहां से निकल लो, लेकिन नहीं, ला 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 ला। अरे मदर इंडिया की बिरजू की तरह लाला ही लाला करते रहे हैं। अब बताओ ये लाला का कबूतर क्यों पाला? इंस्पेक्टर,
हथियार फेंक दो लाला, नहीं तो इस कच्चे बनियान की खोपड़ी खोल देंगे लाला। क्या बात मेरे शेर, क्या बात है। नाइस ट्राई, लेकिन तुम्हारी बंदूक में गोलियां नहीं है। सॉरी भरभूति जी, वो आपके बंदूक में से सारी गोलियां हम निकाल लिए। लेकिन भाभी जी, ऐसा क्यों किया आपने? Why? अंगूरी जी ने वही किया जो मैंने उनसे कहा। तिवारी जी का अंगूरी जी को घर से निकालना, अंगूरी जी का डाकू अंजाना सिंह का गिरोह ज्वाइन करना, फिर अंगूरी का यहाँ आना, हमारी तिजोरी का आपको लुटवाना, ये सब भाभी जी के प्लान का हिस्सा है। भाभी जी, आप पुलिस की खबरें निकली? हाँ, हमको माफ कर दीजिए। हाँ भरभूति जी, लेकिन ना ये सब हम आपके भले के लिए किए थे, क्योंकि हम जानते थे मुजरिम आप ना ही हैं, ये हैं चिचा। विभू, अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये डाकू अंजाना सिंह तुम्हें डाकू बना देता, जो कि वो बना रहा था। डाकू अंजाना सिंह, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे काहे का डाकू अंजाना सिंह? मैं कोई अंजना सिंह मंजना सिंह नहीं उड़ाकू। अरे मैं तो एक बहुत ही मामूली, नाकारा, निकम्मा, काहिल, कामचोर आदमी हूँ, जो जिसने जिंदगी में कभी कोई काम ही नहीं किया, बस इसी तरह से जुगाड़ करके अपना काम चलाता रहा। What? जो बुड्ढा सही कह रहा है मैडम। अरे मैडम, जो कौन हूँ अंजाना डाकू ना है गो, असली अंजाना डाकू जे है गो, जी के हमने दबोचला हुआ है गो। बोल। अरे क्या आप नाटक में पहलवान का रोल कर रहे हो? हाँ गोरी बिटिया, वो कहा है ना, हमारे गांव में हर साल एक ठो नाटक होता है, अब पंडित राम फल कराते हैं। और इस बार तो वो हमरे पीछे ही पड़ गए, अब बोले कि राम कली, ये पहलवान का रोम तो तुम ही को करना है। वैसे लगते भी हो आप। नहीं मतलब आप जचते भी हो। तो फिर तुम हमको डायलॉग का अभ्यास करा दो ना गोरी बिटिया। अच्छा। वैसे स्टोरी काफी बोल्ड लिखी है पंडित रामफल ने। वो खुद ही बहुत बोल्ड है। हाँ मतलब एक औरत अपने पति को छोड़कर एक पहलवान से प्यार करती है, फिर उस पहलवान के साथ भाग भी जाती है, बोल्ड। तो फिर हमको जल्दी से अभ्यास करा दो ना गोरी बिटिया। है अच्छा, प्रैक्टिस करें। तो सीन ऐसे शुरू होता है कि रज्जो आंगन में रस्सी पे कपड़े सुखाती है, और तभी पप्पू पहलवान वहां आ जाता है। अब मैं रज्जो। तुम यहाँ क्यों आए हो पप्पू? देखो, अगर मेरे पति को पता चल गया तो? मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे और मेरे इश्क के बारे में उसको कुछ भी खबर लगे। हे भगवान, भाभी जी का चक्कर किसी पप्पू नाम के मुस्टंडे के साथ चल रहा है? पप्पू, मेरा यकीन करो ना, यकीन करो, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तो मेरा नल्ला पति, वो तो किसी काम का नहीं है, वो कहाँ कुछ कर पाता है जो तुम कर पाते हो। असली सुख तो तुम मुझे देते हो पप्पू। ये भगवान, ये देखने से पहले मर क्यों ना गए। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।